नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीएन 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। आज 4 राज्यों में विधानसभा की 18 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर बिहार के उपचुनाव पर है। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये सभी वो विधानसभा सीट्स हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हो गई थी। फिलहाल इनमें से 6 सीट्स बीजेपी के पास है। सभी 10 सीटों पर कांटे की टक्कर है। खासतौर पर बिहार में लालू, नीतीश और कांग्रेस का महागठबंधन बन जाने के बाद उपचुनाव की इन सीटों पर टक्कर दिलचस्प हो गई है। बीजेपी के खिलाफ लालू, नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव मैदान में है। बीजेपी के सामने लालू, नीतीश का गठबंधन का टेस्ट भी होगा। बिहार की जिन सीट्स पर चुनाव होने जा रहे हैं वो है नरकटियागंज, राजनगर, जाले, छपरा, हाजीपुर, मोहिनुद्दीन नगर, परबत्ता, भागलपुर, बांका, मोहनिया। हाजीपुर में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार ने। बिहार विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े हैं। ये 10 असेंबली सीट्स पे उपचुनाव हो रहे हैं बिहार विधानसभा में, और ये जो चुनाव है ये नीतीश, लालू और कांग्रेस का जो महागठबंधन बिहार में बनाया गया है उसके एक अग्नि परीक्षा के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि बिहार विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो 2015 में होंगे, लेकिन ये 10 सीटों के जो उपचुनाव हैं उसके एक तरह से इसे सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है। इसे ये देखा जा रहा है कि जो एक महागठबंधन नीतीश, लालू और कांग्रेस ने तैयार किया है उस महागठबंधन का क्या असर होगा, और यही कारण है कि जो गठबंधन के नेता हैं चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों चाहे वो नीतीश कुमार हों, उन्होंने इस प्रचार में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, और सारे नेता जो है ये नीतीश, लालू और उनके पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार 10 सीटों पे उन्होंने काफी सघन चुनाव प्रचार किया है। आज जो है लगभग 26 लाख मतदाता जो है वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, और इसमें से 3 जो सीट है हाजीपुर, परबत्ता और बांका वो उसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। हम मौजूद हैं हाजीपुर में और यहाँ पे जो मतदान है वो लगभग 4 बजे तक खत्म होगा। लगभग 94 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में हैं, और इस पे इस जो अभी आज जो चुनाव हो रहे हैं इस पे लालू और नीतीश और इस गठबंधन के नेताओं की खास नजर है, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत किया है उस पे, वो इसे एक तरह से सेमीफाइनल चुनाव मान रहे हैं, और इसके नतीजे जो हैं वो ये बताएंगे कि ये महागठबंधन जो इन्होंने बिहार में किया है वो कितना कारगर साबित हो रहा है। हाजीपुर से प्रभाकर कुमार, आईबीएन 7।